जड़ नमस्कार बेला काय सारे तुम काय सारा सा तुम मैं भल छू तुम भल छा सब टेका होने ला पकड़ 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 गुड मॉर्निंग दगड़िया, वेलकम टू माय अदर ब्लॉग। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत दोस्तों यहाँ पर मेरे खेतों से हो रही है। यहाँ पर आ रखा हूँ मैं गुड़ियों को हकाने के लिए दगड़ियों। पकड़ यो 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 पकड़ 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 हो पकड़ रत्ती में आठ दगड़ियों। आज गुड़ आएगी गड़न में। आज खेतों की सैर करके आता हूँ दोस्तों मैं, है ना, आपको खेतों के नज़ारे दिखाता हूँ करीब से। अरे यार फिर मगर नग जला को घर में बैठ पे। मैंने कहा फिर इतना बुढ़ी मैं साल मगर बोलू नैस। मैंने कहा यार अब ले जा मुला, फिर मगर नग जला आगे भतेरा जाए फिर। मैंने कहा अब ले जा मैं पे? अच्छा एल में हगा कर लेगी नहीं हो बगल 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 पे तो ये देखो यो देखो यो यो पाव देखो ओ बगल 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 ओ छिड़िया ना जानो छिड़िया ना हिट पे हिट। मैंने कहा यार बेचार बुढ़ी अगले रह गई वहाँ। मैंने कहा मगर बोलू ना, मैंने कहा यार आप छी फिर शर्मा बात है जैसे फिर नक नाक ले रहे भाई। मैंने कहा फिर कहाँ अब पाप जला गल हो। मैंने कहा आम ही तो कई मानू यार कि अब मगर कहाँ पाप जला गल बुढ़ भी धरना पाप जला नहीं भाई। फिर उनको मेरा कहा नया कहा बानर उचड़ दी ना फिर जबरदस्ती न कर ना जबरदस्ती न कर को नहीं मतलब कि जबरदस्ती हिट हिट का फिर जबरदस्ती नाइत रोड डाल का फिर चलो के बाद ना दगड़े जानो पा होता है तो पे अभी तो बेरोख हो आप कुछ टाइम अभी है ही जाए जरा फिर ये पसी ना मेहनत करी दिन कुछ टाइम में पाओ देखो यो आल गो यार तो पूछो तो ले कोई गो दा ओए फड़ 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 यो आगर या आगर है कल लागो ये खुशी निकल गया यार। आई अच्छी नहीं आ रही दिन तो यो हाँ पटाखा नहर तो काम तो बोर्ड में खिंचू था बोर्ड तो पटाखा नहीं आ तो पकड़ 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 ले कलो ले कलो कलो आहा खेतों का व्यू कितना प्यारा दिखाई दे रहा है दोस्तों। देख रहे हो आप नजदीक से मजा आ गया यार है। गेहूं की खेती और उसके बीच बीच में सरसों की खेती। बात तेरी मीठी मीठी मिशन सक्सेसफुल दगड़ियो सब गुण भजायली छिड़ी बाल लगायली दगड़ियो। जहाँ भी मैं आ रखा हूँ इस जगह का नाम है छिड़ी दोस्तों। तो छिड़िया झरना पर पा पल साइड खेदेली है ना। अब तो तलगो साइड रह जा सब सब गुण तो अब फिर वहाँ मैं फिर भजा तलगी भी तली वाल तलगी यो सब ने ये बुद्ध धड़ लग रहा है दगड़ियो। अच्छा ने बानर और गुड़ने पछिन में रोज आज नहीं हर हर तीसरा दिन आज नहीं और बानर तो रोज हो नहीं ये गुड़ तो आज चलो जरा चार पाँच दिन बाद आ रही अल्लाह थोड़े दिन में बानर ने बोला टाइम लहरवाए उबार एक बाजी होनी दगड़ियो। और अचान गार्डन का नहीं वो घर को नहीं आप सीधे रॉड भात खाना है बेई खिचड़ और रॉड खाएगी हम आग। पहाड़ों का दोस्तों ये शांत माहौल कितना अच्छा लगता है ना।
मतलब यहाँ पर मेडिटेशन करने की जरूरत भी नहीं है। देख रहे हो आप कितनी शांति छा रखी है, है शांति अलग छा रखी है। और यहाँ पर जो नदी बह रही दोस्तों उसकी आवाज़ अलग से सुनाई दे रही है, आहा अलग सा मज़ा याद आता है दोस्तों। है जो बाहर की भीड़ भड़ाक टिटी भुभीक भुभीक है ना, उससे दूर ये शांति का माहौल कितना अच्छा लगता है ना। बहुत सारे लोग अभी ये नज़ारे को देखकर दोस्तों अपने बचपन के दिन आप याद कर रहे होंगे ना, मतलब कि बचपन में हम भी ऐसे खेतों में जाया करते थे, कुछ भी अनाज लगा रखा होता तो बंदरों को और गुड़ियों को भगाने के लिए हम भी ऐसे भगते थे पत्थर लेके, है ना। ये अभी वो दिन दोस्तों मेरे चल रहे हैं। और अब जो आप लोग अभी देख रहे होंगे, कुछ लोग अभी या तो पढ़ाई करने के लिए बाहर गए होंगे, या अभी कोई नौकरी कर रहा होगा, कोई बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर गया होगा, लेकिन कोई नहीं, मेरे ब्लॉग के माध्यम से दोस्तों आप जो आपकी जो पुरानी चीज़ें होंगी वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को मैं भी अभी कर रहा हूँ, है ना। जैसे घर में रह के कभी जंगल में लकड़ी लाना, कभी ठीठे लाना, कभी ऐसे खेतों में आकर बंदरों को भगाना, है ना, ये सारे काम आपने भी करे होंगे जो कि अभी मैं भी कर रहा हूँ। फिर कुछ टाइम बाद मैं भी इन चीजों को मिस करूंगा। लाले बानर भजूची मले, फिर आप नंती नगला दिखो मले, देखो तुम भाभी सी बानर भजूची अंजकान। लगी चितुरे बानी, लगी चितुरे बरुली बानी, लगी चितुरे आम की डाई कपल की डाई। दोस्तों आज आप मम्मी को भी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हुए देख लीजिए, आपको लगता होगा कि पापा ही धोते हैं, लेकिन दोस्तों पापा सिर्फ संडे के दिन धोते हैं, और दिन मम्मी ही धोती है। अभी इतने कपड़े धोने बाकी है और छत में भी धो दिए हैं, ऊपर भी दिखा है मम्मी कितने कपड़े धोती हैं करके दिन भर। हाँ, एक तो टम में है दोस्तों भरे हुए कपड़े वॉशिंग मशीन में, यहाँ पर ये चद्दर मद्दर पता नहीं मम्मी ने क्या भर रखा है ये, और मैं दिखाता नहीं है ना। हाँ, एक संडे के दिन पापा को दिखाता है का, संडे के दिन पापा धोते हैं बस, और जिस दिन मैं झोली बाटो की बनाती है कुछ दिन पापा कपड़े ठीक 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 है। फिर आज कितना कपड़े धोते हैं करके आपसे रोज ही मम्मी के दोस्तों, मैं सारे काम आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सब मम्मी धोती है। हाँ, सब ना का झिड़वा है। हाँ, मैं अल्लाह झिड़वा है। अब व्लॉग में देखने में ऐसा लगता है कि पापा ही घर के सारे काम अत्यधिक पापा ही करते होंगे घर के ना। लेकिन मम्मी ज्यादा काम करती है दोस्तों पापा से, मतलब पापा का काम तो क्या ही ठहरा, मतलब 5% लगाओ पापा का काम, बाकी 95% काम मम्मी करती है ना। लेकिन वो दिखता नहीं है दोस्तों, मम्मी काम दिख नहीं पाता, मम्मी काम इतना करती है ना कि मैं दिखाते दिखाते थक जाता हूँ, इस वजह से फिर मैं दिखाता ही नहीं हूँ। अब पापा का एक ही थोड़ा सा काम करते तो वो काम दिखाते वो बहुत ही ज्यादा लग जाता है। दगड़ियों चाह बनना हमारे तैल मेहते अल्लाह खानू गुड़ा कटका दगा। हाँ, तो पौंड भी मैं तुम्हारी ले आम भी तुम्हारी। अब जरा घर नदी है के कति दूर जो होना, जब एल पौंड पास में मैं केना के लू नी, अब रोज रोज के लू इन बहुत हूं भदेर बैठो, आओ बैठो कुर्सी में बैठो हूं यहाँ भदेर भाई चाह भी सरे रे बिस्कुट हूं अरे चॉकलेट दिन एक प्लेट में बिस्कुट हूं ओए यो जो तैर नहीं हो प्लास्टिक जो असली चावल बहुत अलिया बने। अच्छा बताओ वो नकली चावल होगा। अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा ये चावल का फूक गिला फिर तुम नकली चावल उड़ फेंकी यार बाप रे। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मौसम बदलने के साथ ही साथ स्किन काफी ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाती है, तो इसी का सॉल्यूशन करने के लिए दोस्तों मैं आपके लिए एक और न्यू लॉन्च प्रोडक्ट ला रखा हूँ मामाअर्थ का। मामाअर्थ के दोस्तों मार्केट में दो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रखे हैं, जो की है फर्स्ट वन इज बीट रूट जेंटल फेस वॉश विद बीट रूट एंड हाइलुरोनिक एसिड फॉर हाइड्रेटेड पिंक ग्लो दोस्तों, मेड सेफ है, सो फ्री है और सूट्स ऑल स्किन टाइप। एंड सेकंड वन इज मामाअर्थ का बीट रूट हाइड्राफुल मॉइस्चराइजर विद बीट रूट एंड हाइलुरोनिक एसिड फॉर हाइड्रेटेड पिंक ग्लो, और बाकी दोस्तों ये भी मेड सेफ है और ऑयल फ्री फॉर्मूला दोस्तों इसमें अपनाया है। और आपको पता है कि बीट रूट
बीटरूट को हिंदी में कहते हैं चकुंदर, जो कि दोस्तों खाने में भी स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होता है और लगाने में भी। बाकी दोस्तों दोनों प्रोडक्ट्स का आप पीछे साइड को भी देख सकते हैं, इनकी इंग्रेडिएंट्स को आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इनमें जितने भी दोस्तों इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करा जाता है सारे केमिकल फ्री एंड डर्मेटोलॉजी टेस्टेड होते हैं। इसमें लिखा भी है दोनों प्रोडक्ट्स के पीछे कि डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है और सुटेबल फॉर सेंसिटिव स्किन ऑल्सो दोस्तों, मतलब ये सेंसिटिव स्किन में भी सुटेबल है। और बाकी आपको ये भी बताना चाहूंगा कि बीटरूट और हाइलुरोनिक एसिड क्या क्या मदद करते हैं स्किन के लिए। बीटरूट दोस्तों स्किन को नेचुरल ग्लो देता है और हाइलुरोनिक एसिड प्रमोट करता है हाइड्रेशन को और जेंटली क्लीनलेस करता है। और वहीं बात करें दोस्तों बीटरूट हाइड्रोफुल मॉइस्चराइजर की, तो इसकी वेबसाइट में आप देख सकते हैं बीटरूट गिव्स नेचुरल ग्लो एंड हाइलुरोनिक एसिड प्रमोट्स हाइड्रेशन वाटर लाइट एंड क्विक एब्जॉर्बिंग। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं फेस वॉश की पैकेजिंग भी, तो इसको ओपन करेंगे और बात करें दोस्तों पहले इसकी फ्रेग्रेंस की, तो फ्रेग्रेंस इसकी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। और आप देखते हैं कि ये किस फॉर्म में है दोस्तों, जब मैं इसको निकालूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जेली फॉर्म में है और इसका कलर भी पिंक है देखो, और फ्रेग्रेंस में मजा आ गया, वाह यार। फिर दूसरी साइड बात करें दोस्तों बीटरूट हाइड्राफुल मॉइस्चराइजर की, तो ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग के साथ में आता है ना, काफ़ी तगड़ी पैकेजिंग हो रही है इसकी। और बाकी अंदर से कुछ ऐसा है ये, है ना। और इसकी भी फ्रेग्रेंस की बात करते हैं, ये देखिए पहले इसका मैं ये ऊपर का कैप ओपन करूंगा तो काफ़ी इजीली दोस्तों ये निकल जाता है। और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत तगड़ी है, मतलब दोनों की इतनी तगड़ी है ना, मज़ा आ गया दोनों की। और इसका भी आप ये देख सकते हैं ये काफ़ी बढ़िया क्रीमी टाइप का है, और स्किन पर अगर मैं लगाता हूँ तो ये देखिए लगाने तक ही काफ़ी अच्छे से स्किन को ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है स्किन में, मतलब ज़्यादा मेरे को घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, है ना। ये देखिए स्किन में काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जा रहा है ये। क्योंकि दोस्तों आपको मामा अर्थ की कुछ अच्छी खासियत बताना चाहूँगा, मामा अर्थ के जितने भी सारे प्रोडक्ट हैं सारे केमिकल फ्री नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं और प्लास्टिक पॉजिटिव है, डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है। और इसकी एक और सबसे अच्छी बात की दोस्तों मामा अर्थ जो ब्रांड है ये एक इंडियन ब्रांड है। मामा अर्थ हैज लॉन्च देयर ऑफिशियल वेबसाइट एंड यूजर गेट एली एक्सेस टू सेल्स एंड गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड यू कैन यूज माय कूपन कोड UTRA2024 टू गेट 20% ऑफ ऑन मामा अर्थ ऑफिशियल वेबसाइट। एंड मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल और मामा अर्थ की ऐप और मामा अर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल मिलेंगे और साथ में आपके नजदीकी ऑफलाइन स्टोर्स में भी। सो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने प्रोडक्ट्स कहां से स्पॉट किए। और मामा अर्थ की एक और सबसे अच्छी बात की जब भी आप मामा अर्थ से किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं तो आपके ऑर्डर को लिंक कर जाते हैं एक ट्री के साथ जो कि वो प्लांट करते हैं। और मामा अर्थ एम कर रही है 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का बाय 2025। सो बी आ पार्ट ऑफ दिस गुड इनिशिएटिव, थैंक यू सो मच। दिनक एक बाज को दगड़ियो आज कदू सालन में मैं आपू अमो आज आ रही पौन पैस में है ना, तो बहुत सालन में दगड़ी इन आ रही, तो आज भात दाव इन मैं खानू। ये देखिए आप दोस्तों मिक्स दाल बना रखी है, भात बना रखा है, जौ भी बना रखा है साथ में, है ना। तो चलिए फिर आप खाते हैं और ब्याह फिर मैं आपको घर ले जाऊंगा। बिल्कुल चलो तो चक्की फुल में घुगती तैयार ला रही हो, घुगती यो मैं भात खा लो हाँ मम्मी यो पा भाई हम छना मो आमो आज आ रही मैं पौन पास में अरे फिर यो घूमते घामते लह पड़ी है यो घुगती तैयार देने दीजिए अगर तुम खा लिया पर मैं ब्याह हूँ ना अब अच्छा मैं पहला खा मैं जनी अच्छा अबू पहला ठीक तो बानर आएगी रे आज ओ केली लगाओ ओ चाची क्या खाना हूँ अरे नारी मालता लेने को तुम्हार हाँ मैं दोस्तों बंदरों का आतंक फिर से आज मच चुका है, देख रहे हो आप, मैंने बोला था ना भात खाने के समय आ जाते करके, आज फिर से पहुंच गए दोस्तों। चाची वहाँ खाना खा रही है और किसी घर से वो मालटा के दाने लेके चले गए दो बंदर। आज देखो दोस्तों मम्मी ने इतने सारे कपड़े धोए आज और इतने सारे कपड़े अभी यहाँ पर सुखा के डाल रखे हैं ये, है ना। ये देखिए आप, ये है मम्मी के धोए हुए कपड़े वॉशिंग मशीन में,
ये व्हाइट बॉल करते हुए असुर रावत जी यहाँ पर बॉल को खेलते हुए आपने जंगिया में और विशाल आउट आउट गली आउट हो गया मैं 7 रन मैंने अकेले बनाए रावत जी महाराज आगे रावत जी महाराज आगे दोस्त हमारे चलो ठीक है सर ठीक है ब्लॉग बनना है यार चलो रावत जी महाराज अगला ना है हर वक्त जो फोटो खींचो अब 2-3 साल बाद लगाता है फोटो है ना उस कैमरामैन ब्याह दिन ना है बिल तो ना फोटो है जो नाम घुमा रहे हो रावत जी महाराज को नहीं भयो मत ओ मतलब यार रति उठो सब मैं रति यहाँ पर घूम रहा रावत जी महाराज उठो घूम गया चलो जो भी है करना है ठीक है बिल्कुल फ्री माइंड रहना चाहिए तो कुछ गोभी की तो दोस्तों हम पकौड़ी बना रहे हैं और बाकी मम्मी फिर सब्जी बनेगी ना इसी की हाँ तू ही तू है सांसों की हवा।